बात्यार रूप नेला गभीर अवपात बंगोपसागर सृष्टि हेला बात्या मिधिली पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल रे रहितबा सक्रिय अवपात गतकाली अधिक घनीभूत होई गभीर अवपात रे परिणत होईछि। यह विशाखापाटना ठारु पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे 390 किलोमीटर पारादीपुर दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे 320 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे पश्चिमबंगर दीघा ठारु 460 किलोमीटर दूर रे एवं बांग्लादेशर खेपुपारा ठारु दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे 660 एवं बांग्लादेशर खेपुपारा ठारे दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे 610 किलोमीटर दूर रे पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर समुद्र मध्यरे केन्द्रीभूत हो रही छि। एहा निज गतिर दिग बजाय रखिबा सह उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करूछि। एबे एहा आहुरी घनीभूत होई बात्या मिधिली रे परिणत होई छि। उत्तर पूर्व दिगकु घंटा प्रति 20 किलोमीटर बेगरे गति करूछि बात्या मिधिली। आसंताकाली सकाळ बेळकु एहा बांग्लादेश उपकूलकु मंगला ओ खेपुपुरा मध्य देई अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। एहा पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। वर्तमान गभीर अवपात डी पारादीपर दक्षिण पूर्व दिगरे 190 किलोमीटर दूर रे अछि। एही समय रे घंटा प्रति पवन रे बेग 60 रु 70 किलोमीटर रहिबो बोली अनुमान करा जायछि। 80 किलोमीटर बेग रे पवन रे बेग अनुभूत हेबो बोली आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहा जायछि। तेबे ओडिसा उपरे बात्यार कोनोसी प्रभाव पडिबो नाही। आज बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर और जाजपुर जिलार गोटी रु दुईटी स्थान रे हालुका वर्षा हेबार आशंका रहिछि। बाकी सब जिले में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। आसंता 18 और 19 तारीख रे राज्य रे पाग संपूर्ण सुखिला रहिबो। गत 16 रु 18 तारीख जाए मत्स्यजीवी मानू ओडिशा उपकूल समुद्र आखपाख अंचल पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल और उत्तर बंगोपसागर अंचल को प्रवेश बारण कर। आज राजधानी भुवनेश्वर एवं एहार आखपाख अंचल पाग आंशिक मेघुआ रहिबो। किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आज दिन रे सर्वोच्च तापमात्रा 29 डिग्री और सर्वनिम्न राति तापमात्रा 21 डिग्री मध्ये रहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट खबर ओडिसा।